नमस्कार, मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं 24। इलेक्ट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप ही सवर्ण समाज के पीड़ितों के लिए भी समकक्ष कानून बनाया जाए और उसमें भी विवेचना उपरांत ही कार्यवाही की जाए। समस्त छोटे बड़े मंदिरों के पंडित पुजारियों का शासन पंजीयन करें और उन्हें परिवार के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह ₹10,000 राशि मानदेय प्रदान किया जाए। प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिरों के रख रखाव और जीर्णोद्धार हेतु शासन अपने वार्षिक बजट में दाह का प्रावधान करें और आवश्यकता अनुसार मंदिर कमेटियों को धन उपलब्ध कराए। मंदिरों की भूमि को न शासन अधिग्रहित करे और न उनकी नीलामी की जाए। 10,850 लाख वार्षिक आय वाले ब्राह्मण परिवारों को शासन की समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाए। 11,8.50 लाख वार्षिक आय वाले ब्राह्मण परिवारों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति निःशुल्क किताब कापी ड्रेस आदि उपलब्ध कराई जाए। 12. परशुराम जन्म स्थली जानापाव को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, उसे पर्यटन स्थल बनाकर भगवान परशुराम का अपमान नहीं किया जाए। शासकीय पदोन्नतियों में आरक्षण व्यवस्था समाप्त की जाए। शासकीय सेवा में अनारक्षित कोटे में केवल सवर्ण समाज की भर्ती अनिवार्य की जाए। सर्व ब्राह्मण सम्मेलन आयोजन समिति मध्य प्रदेश, देखिए एस के मालवीय की यह रिपोर्ट। परिचय बताएं। मैं प्रफुल्ल दुबे सागर से हूँ और ये जो सम्मेलन है आज के राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में और संविधान में जो ब्राह्मणों का संरक्षण नहीं है, ब्राह्मणों की क्या समस्याएं हैं, क्या ब्राह्मणों की मांगे हैं, हम संविधान में हमें बराबरी का हक दिया जाए, हमारे बच्चों को नौकरी, हमारे प्रति जो राजनीतिक लोग घृणा पैदा कर रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर एक वैचारिक मंथन था कि हमें क्या करना है। और हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति जितनी घृणा राजनीतिक दल फैला रहे हैं, चाहे मौर्य जी हो, चाहे प्रीतम जी हो, अभी उत्तर बिहार के एक मंत्री ने बोला कि हम रसिया के रीढ़ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हिंदुस्तान से बाहर कर, ये मूल निवासी नहीं है। ये सब जो हो रहा है, ये हो रहा है केवल राजनीतिक वोट के लिए। ब्राह्मणों का वोट बैंक कम है, दूसरे समाजों का वोट बैंक ज़्यादा है, उनको संतुष्ट करने के लिए। क्या हमें संविधान में संरक्षण है? क्या हमारे बच्चों को नौकरी मिल रही है? क्या हमारे बच्चे जो गरीब ब्राह्मण हैं उनके बच्चों की फीस कितनी है? और जो मायावती हैं या मुर्मू हैं, इनके बच्चों इनके इनके इनको क्या आरक्षण की ज़रूरत है? इनके बच्चों की फीस कितनी है? अखिलेश यादव के बच्चों की फीस कितनी है? संविधान हमें कहाँ है संरक्षण? हमें दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा यदि कोई हरिजन ST ST का आदमी ब्राह्मण का काम करने लगता है पर उसकी पीढ़ी को ST ST माना जाएगा, और यदि कोई ब्राह्मण स्वीपर का काम कर रहा है तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा। हमें संरक्षण कहाँ है? तो हमारा मंथन हुआ है, हमारे 11 सूत्र तैयार हुए हैं, हम समस्त राजनीतिक दल को देंगे। हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, किसी राजनीतिक दल के विरोधी नहीं हैं। हमारी मांग है वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, और यदि वो हमारी मांग मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेंगे तो हम फिर एकत्रित होकर ये सोचेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों को अपना महत्व कैसे दिखाया जाए। इसके लिए हम ब्राह्मणों का एकत्रीकरण करेंगे, जागृत करेंगे। ये आंदोलन की, ये क्रांति की शुरुआत है। धीरे धीरे पूरा ब्राह्मण समाज जागृत होगा और देश के समस्त राजनीतिक दलों को, समस्त जातियों को जागृत करेगा कि हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण में भाग लिया है, राष्ट्र निर्माण किया है, हमसे इतनी नफरत मत करो, संविधान में हमें संरक्षण दो, ये हमारी मांग। सर, संरक्षक तो आप खुद ही हैं, ब्राह्मण समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, अभी BD शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ये सभी तो ब्राह्मण हैं। इसके बावजूद भी नहीं, ये लोग ब्राह्मण हैं पर ये ब्राह्मणों की बात विधानसभा में नहीं उठाते, ये ब्राह्मणों के संरक्षण की बात नहीं करते, ये अपनी पार्टी लाइन से चलते। अब हमें ब्राह्मणों को सतर्क होने की जरूरत है। जो राजनीतिक दल के लोग हैं या वो ब्राह्मण जो ब्राह्मणों को एकत्रित करके अपनी ताकत दिखा के राजनीतिक दलों में अपना फायदा उठाते, अब ऐसे ब्राह्मणों से अलग होकर ये सम्मेलन है। तो
दोनों चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी के हो, कोई हमें संरक्षण नहीं दे रहा, कोई ब्राह्मण हमें संरक्षण नहीं दे रहा राजनीतिक दल का। तो अभी अब हम जागृत हो रहे हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से हमें समस्त ब्राह्मणों को, गरीब ब्राह्मणों को, आपकी मांगे हमारी 17 सूत्री मांगे हैं और वो मांगे हमने रखी हैं। हम आरक्षण देख लीजिए हमारी मांगे, हम आरक्षण में ये कह रहे हैं कि ST ST वालों को जो आरक्षण है, OBC वालों को आरक्षण है दो, पर क्रीमी लेयर के नीचे वालों को, गरीब ST वालों को दो ब्राह्मण आरक्षण। आरक्षण अखिलेश यादव के लोगों को मत दो, आरक्षण मायावती को मत, परिवार को मत दो, आरक्षण मुर्मू को मत दो, आरक्षण गरीब तबके के ST ST को आरक्षण दो, और एक बार आरक्षण देने के बाद उस परिवार को दूसरी बार आरक्षण मत। वो आरक्षण वर्ग से ऊपर कब आएगा? अभी तक नहीं आया 70 साल में। कुछ विशिष्ट IAS IPS के लोग आरक्षण ले लेते हैं, उनको क्या ज़रूरत है? जब वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी अच्छा देते हैं, खान पान भी उनका अच्छा हो, आरक्षण के कारण वो ही आगे बढ़ रहे हैं, और तबके का गरीब ST ST का आदमी आरक्षण के द्वारा आगे कहाँ बढ़ रहा है? इसलिए आरक्षण होना चाहिए गरीबी के आधार पर। आप दे रहे हो उनको ठीक है, पर उसमें भी गरीबी के आधार पर, EWS में जो आपने 10% गरीब छांटे हैं, उस कौम के भी आप, उस जात के भी गरीब छांटो ना, उनको दो ना आप आरक्षण। बिल्कुल, जब ही राष्ट्र एक लेवल पे आएगा, एक नई क्रांति की शुरुआत की है, कम लोगों ने की हो, चाहे 400-500 लोग हैं हम लोग, और हम हर जिले से आए हैं, एक आध दो जिले छूट गया होगा, हमने मंथन किया है और ब्राह्मण समाज को और दूसरे समाज को भी जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे नमस्कार। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।